डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास नाइन्थ के लिए सीबीएसई का, नाइन्थ सीबीएसई के लिए मैथ पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हम लोग एक्सरसाइज 1.2 तक के टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व 2.2 के टोटल क्वेश्चन तक के सॉल्यूशन कर लिए हैं। उसके आगे पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नाइन्थ क्लास के लिए मैथ में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम में एक फार्मूला है जिसको आपको याद रखना चाहिए। वो फार्मूला कौन सा है, लिख देते हैं। फार्मूला है px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, ये फार्मूला देख पा रहे हैं, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, जहाँ px को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है, और इसको बोलते हैं डिविजर, और इसको बोलते हैं कोशियंट, इसको बोलते हैं कोशियंट, QUOTIENT, और RX को बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम के एक अंतर्गत फार्मूला है जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशियंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये फार्मूला आप देख पा रहे होंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशियंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोगों का ये फार्मूला डिविडेंड का है, मतलब कि रिमाइंडर थ्योरम का है, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हालांकि इसमें तो पॉलिनोमियल का हमें पी एक्स दिया रहेगा, क्यू एक्स जी एक्स वगैरह दिया रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर दिखा रहे, जैसे 5 है, इसको हमको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करना है तो 2 बार में लगेगा, 2 2 4, और जो आया रिमाइंडर 1। तो इसमें हम लोग जिससे डिवाइड करते हैं, जैसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं डिविजर। ठीक है, इसको बोलते हैं कोशियंट, इसको बोलते हैं बीच वाले को डिविडेंड। ठीक है, और नीचे वालों को बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। ठीक है, देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा कि रिमाइंडर थ्योरम में कि क्या होता है डिविडेंड, क्या होता है डिविजर, और क्या होता है कोशियंट, क्या होता है रिमाइंडर। ठीक है, अब चलिए ये फार्मूला लिखने के बाद कुछ एग्जांपल करते हैं कि हम लोगों का डिवाइड जो होगा वो पॉलिनोमियल का डिवाइड कैसे होगा। डिवाइड ऑफ पॉलिनोमियल है ना, यानी कि पॉलिनोमियल का डिवाइड कैसे होगा। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल, आपको क्या करना है, पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, पॉलिनोमियल का x^4 x^3 -2x² + x + 1, एंड इसको डिवाइड करना है लगभग वही जी एक्स से डिवाइड करना है। जी एक्स का वैल्यू दिया है x-1। आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है और हमें पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है। तो अगर पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है, क्योंकि जी एक्स को हम लोग डिविजर बोलते हैं और पी एक्स को डिविडेंड बोलते हैं, तो इसको डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि x-1 को डिवाइड करना है x^4 + x^3 -2x² + x + 1 को हमें डिवाइड करना है। ठीक है,
जैसा कि देख पा रहे हैं आप, हमें इसको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमें लाना कितना है, तो x के पावर 4 लाना है, ये चीज़। तो x के पावर 4 कब आएगा, जब x में x के पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि पावर जो है ना मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है, हम लोग सीखे भी हैं। तो x यहाँ पे है, यहाँ पे x के पावर 4 है, तो हमें x के पावर 4 लाने के लिए क्या करना होगा, तो x के पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो x के पावर 3 को x से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ x के पावर 4, फिर क्या बन गया, तो अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जितना भी टर्म्स रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे x को x के पावर 3 से किया तो x के पावर 4 आ गया, इस माइनस 1 को x के पावर 3 के साथ करेंगे तो माइनस x के पावर क्यू आएगा। फिर क्या करना है, नीचे साइन चेंज कर देना है, यहाँ के आगे प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो ये प्लस करेंगे, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कट जा रहा है, क्योंकि जब भी हम लोग डिवाइड में हम लोग करते हैं ना, यहाँ वाला साइन चेंज हो जाता है, जो साइन चेंज होता है उसी का वैल्यू होता है, ठीक है। अब चलिए, एक्स क्यू के आगे भी प्लस है, एक्स क्यू के आगे ये वाला प्लस का वैल्यू हो जाता है, ये नहीं, तो एक्स क्यू और एक्स क्यू मिलकर कितना हो गया, 2x³ माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस 1। उसके बाद आप चीज़ों को देख पा रहे हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x³ लाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2x³ लाना है तो 2x² से मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि 2 लाना ही है, और यहाँ x है और यहाँ x² से मल्टीपल करेंगे तभी ना आएगा 2x³, तो यहाँ हो जाएगा 2x³, और इस माइनस 1 को फिर से 2x² के साथ सिर्फ करेंगे, तो माइनस 1 को 2x² के साथ कितना होगा, माइनस 2x². अब ये इसके आगे प्लस है, साइन चेंज करेंगे माइनस, इसके आगे माइनस है, साइन चेंज करेंगे प्लस। आप देख पा रहे होंगे ये कट आउट हो गया, और ये भी माइनस में 2x² है, ये प्लस में, ये भी कट आउट हो गया, कितना बच रहा है, एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर एक्स प्लस 1 है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे x है तो कितना से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो प्लस 1 से, 1 से मल्टीपल करेंगे तो x को 1 से होगा x, ठीक है, और माइनस 1 को प्लस 1 से, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1, और यहाँ साइन चेंज करेंगे माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, x से x कट आउट हुआ, यहाँ 1 1 मिल गया 2। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए हियर, तो पी एक्स का वैल्यू क्या था, पी एक्स का वैल्यू हमें सवाल में दिया था x के पावर 4 प्लस एक्स क्यू, यानी इस तरह से x के पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस 1। और जहाँ तक देख पा रहे होंगे जी एक्स का वैल्यू, जिससे हमें डिवाइड करना है, वो क्या है, x माइनस 1 दिया हुआ था, लेकिन क्यू एक्स का वैल्यू कोशेंट, ये एक्स क्यू माइ प्लस 2x² प्लस 1 एंड rx रिमाइंडर ओनली 2, ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइड करके हम सबका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, आइए हम लोग देखते हैं सेकंड एग्जांपल। इस बार हमें px का वैल्यू दिया है x³ प्लस 1, ध्यान दीजिएगा, और gx का वैल्यू दिया है x प्लस 1, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे भाई। अगर ऐसा सवाल रहे तो इसका मतलब ये समझना है कि x प्लस 1 से px में, मतलब x³ प्लस 1 में डिवाइड करना है। ये x है और यहाँ x के पावर 3 है, तो कितना से मल्टीपल करेंगे, तो x के पावर 2 से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ बन जाएगा x के पावर 3, और 1 को जब x² से मल्टीपल करेंगे तो ये x² बनेगा। 1 को भी x² से किया तो x², फिर साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करेंगे तो ये कट गया। अब यहाँ साइन चेंज किए तो 1 और x² को तो ऐड और सबस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 वेरिएबल्स का नहीं है, तो इसलिए माइनस में लिख दिया इसको अलग x² और इसको प्लस 1 साइड में लिख दिया, ठीक है। अब x को यहाँ x² लाना है और आगे माइनस लाना है, तो इसके आगे प्लस है तो माइनस से गुना करना पड़ेगा, तभी ना प्लस माइनस यहाँ मिलके माइनस आएगा, और एक्स यहाँ एक ठो है और यहाँ लाना है दो ठो, तो एक को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो एक्स और एक्स मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ प्लस वन है और यहाँ माइनस एक्स है, तो प्लस माइनस माइनस, एक्स को वन से किया एक्स, साइन चेंज कीजिए, साइन चेंज हो गया। साइन चेंज करने के बाद यहाँ कट गया, एक्स और एक वन और एक्स को तो ऐड नहीं कर सकते, तो एक्स को हम पहले लिख देते हैं और फिर प्लस वन को इधर लिख देते हैं। अब एक्स को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स आना चाहिए, तो यहाँ देख पा रहे होंगे वन से, एक्स को किया वन, तो वन हो गया एक्स, और यहाँ प्लस वन है और यहाँ भी प्लस वन है, तो वन को मल्टीप्लाई करेंगे वन और साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा रिमाइंडर जीरो। तो यहाँ पे कुल मिलाकर लिख देंगे कि हियर पी एक्स का वैल्यू कितना है। पी एक्स का वैल्यू हम लोगों का बीच वाला होता है, एक्स क्यू प्लस वन, और जी एक्स का वैल्यू कितना, कितना से डिवाइड करना था, एक्स प्लस वन। क्यू एक्स कितना आया, यानी कि कॉशियंट, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और रिमाइंडर यानी कि आर एक्स कितना आया, तो ज़ीरो। ठीक है, तो ये हम लोगों का डिवाइड कुछ इस तरीके से करते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग थर्ड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल में हमें पी एक्स का वैल्यू कुछ इस तरीके से दिया है, एक्स के पावर फोर माइनस फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स माइनस वन, और जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स माइनस वन, तो हमें डिवाइड करना है। इसका मतलब एक्स माइनस वन से डिवाइड करना है एक्स के पावर फोर माइनस फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स माइनस वन। ठीक, अब यहाँ पे एक्स है, लाना कितना है, एक्स पावर फोर, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स के पावर थ्री से, तो यहाँ हो जाएगा एक्स के पावर फोर, और माइनस वन को जब एक्स क्यू से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में एक्स क्यू। साइन चेंज करेंगे, आगे होगा माइनस, क्योंकि इसके आगे प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस, इसके आगे माइनस है, तो यहाँ साइन चेंज करेंगे प्लस। आप देख पा रहे होंगे ऐसा करने से ये चीज़ें कट जाएगा, तो अब हमें बच क्या जाएगा, तो ये माइनस में फोर एक्स क्यू है, ये प्लस में है, तो यहाँ बचेगा माइनस में एक्स क्यू और माइनस में थ्री एक्स माइनस में वन। अब यहाँ एक्स है, लाना है माइनस में एक्स क्यू, तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ करेंगे माइनस, यहाँ एक्स है, लाना है एक्स क्यू, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस में एक्स क्यू, और माइनस वन को माइनस एक्स के स्क्वायर के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, ये साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर किस में, माइनस में, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन। क्यों ऐसा कर दिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, तो माइनस कर दिया, और माइनस थ्री एक्स तो माइनस थ्री एक्स, फिर माइनस वन तो माइनस वन। यहाँ पे एक्स है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो एक्स है, तो यहाँ हम लोग माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस एक्स एक्स का मल्टीपल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से हम लोग माइनस वन को माइनस एक्स के साथ क्या करेंगे मल्टीपल, तो माइनस माइनस प्लस एक्स, इसका साइन चेंज करेंगे तो प्लस, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस थ्री एक्स, और ये माइनस में एक्स, तो माइनस में फोर एक्स माइनस में वन। यहाँ एक्स है और यहाँ लाना है माइनस फोर एक्स, तो किससे मल्टीपल करेंगे भाई, तो सिंपल माइनस फोर से, क्योंकि एक्स और माइनस फोर का जो मल्टीप्लाई होगा वो माइनस फोर दे, फोर एक्स देगा, और ये माइनस वन और ये माइनस फोर, तो कितना, प्लस फोर। अब ये साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस चार और माइनस वन माइनस पाँच, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे जो हम लोगों का अब आंसर लिखेंगे कि पी एक्स बराबर क्या था, तो एक्स के पावर फोर माइनस फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस वन, जबकि हम लोग डिवाइड किससे कर रहे थे, एक्स माइनस वन से, कोफिशिएंट यानी कि क्यू एक्स का वैल्यू कितना आया, एक्स के पावर थ्री, देख पा रहे होंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, जबकि रिमाइंडर कितना निकला, तो रिमाइंडर निकला माइनस फाइव। तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर फोर।
कुछ इस तरीके से है। इस बार हमें पी एक्स का वैल्यू दिया है, क्या दिया है भाई? तो पी एक्स का वैल्यू दिया है 3x² प्लस एक्स माइनस वन। अब इसमें हम लोग जी एक्स का वैल्यू दिया है कितना, एक्स प्लस वन, इसे डिवाइड करना है। यानी कि एक्स प्लस वन से 3x² प्लस एक्स माइनस वन में डिवाइड करना है, ठीक है। जब भी डिवाइड यहाँ पे करेंगे तो यहाँ एक्स है, हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, लेकिन थ्री भी चाहिए। तो थ्री तो चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, लेकिन पहले से एक्स है तो एक और एक्स रहेगा, तभी तो मिलकर 3x² होगा। तो इसीलिए यहाँ पे अपने से मल्टीप्लाई किया जाता है, सोचकर कि ये कुछ आ जाए, 3x² आ जाए। इसलिए 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और x मिलकर 3x² और प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x। अब इसके आगे साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, यहाँ भी प्लस का माइनस, तो कुल मिलाकर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ प्लस में एक्स है और यहाँ पे माइनस में 3x है, तो यहाँ हो जाएगा -2x माइनस वन। यहाँ एक्स है तो इसको कितना से मल्टीप्ल करेंगे, -2 से मल्टीप्ल करेंगे, तो ये हो जाएगा -2x और माइनस में 2। इसका साइन चेंज करेंगे तो प्लस, यहाँ भी प्लस, तो ये चीज़ें कट जाएगा और ये सिर्फ +1 में बच जाएगा। तो ये बहुत सिंपल था, यानी कि पी एक्स का वैल्यू लिख देंगे कितना, 3x² प्लस एक्स माइनस वन, और जी एक्स का वैल्यू कितना दिया था, एक्स प्लस वन, और क्यू एक्स का वैल्यू कितना आया देख पा रहे होंगे, इसको क्यू एक्स बोलते हैं, 3x-2। और आर एक्स कितना आया भाई, तो आर एक्स आया हम लोगों का 1। तो कुछ इस तरीके से हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम में पॉलिनोमियल का डिवाइड होता है। यानी कि अगर बोला जाए तो पॉलिनोमियल में डिवाइड अपने से तरीके से यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कट जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले उतना से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाने के बाद साइन को चेंज करते हैं। ये चीज़ों का बहुत अच्छा से ख्याल रखा जाता है इसमें, ठीक है। तो हम लोग आज इस चैप्टर में रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ा, जो एक्सरसाइज 2.3 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 में बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें आती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों ने आज रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ा, फिर अगले दिन हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर लिख कर एक दो बार अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ, तब तक धन्यवाद।